भी एग्जाम में बिना अंग्रेजी के आपका समाधान होना है, नहीं होना ना, नहीं होना। तो अंग्रेजी के बिना जब कुछ होना नहीं है, या बैंक की बात ले लो, तो आप लोग हिंदी की तरफ क्यों कंटेंट में इतना भागते हो? बात समझ नहीं आने की है ना, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं ना। बात आ रही है समझ? इंग्लिश कैसे निकालोगे? मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, आदत डालने से होता है। जब तक उस चीज में कूदोगे नहीं, तब तक कंफर्टेबल कैसे होगे? पानी ठंडा है, ठंडा है, नहीं नहाएंगे, नहीं नहाएंगे तो 4 दिन फिर मत नहाओ, बालों में जुए पड़ जाएंगे और उसके बाद खुजली होने लगेगी, लेकिन समस्या का समाधान थोड़ी होगा। पानी ठंडा है करते रहोगे, जूड़ी लग रही है, ठंडी लग रही है, क्या होगा उससे? क्या होगा बताइए? आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, भलाई के लिए बोल रहा हूं। मैं YouTube पर डेली का करंट अफेयर दे रहा हूं पिछले 2.5 सालों से। इन 2.5 सालों में स्टूडेंट की मुझे डेली डिमांड आती है कि सर हिंदी दे दो, आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। मैं पढ़ता नहीं हूं क्या आपके कमेंट? वो बोलते हैं हिंदी का सर कंटेंट दो, आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, डेली का 1 लाख व्यू जाएगा। और मैं नहीं जानता क्या? मैं जानता हूं ये चीज कि मैं हिंदी में कंटेंट दूंगा तो 1 लाख व्यूज हो जाएंगे मेरे डेली के हर एक वीडियो पे। मुझे व्यूज नहीं चाहिए। मेरे पास पहली चीज तो ये कि मेरे पास समय नहीं है इतना कि मैं हिंदी में भी उसको कॉपी करूं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपके लिए भी वो हित में नहीं है। काम मैं वो करूं हित में हो, जो मुझे तब अच्छा लगता है जब स्टूडेंट बोलता है कि सिलेक्शन हो गया सर एंड क्रेडिट गोज टू यू। तो चीजों को समझो क्या है, वरना अच्छा आज की भी डेट में आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स के इंटरव्यू देखो, यूपीएससी भी, यूपीएससी में पता है सक्सेस रेट क्या है हिंदी मीडियम वालों का? 5% से कम है सक्सेस रेट। कहते हुए मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई का सामना नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। 5% से कम सक्सेस रेट है उनका जो हिंदी में पेपर दे रहे हैं यूपीएससी में। 95% उनका है जो इंग्लिश में पेपर देते हैं, और बाकी एग्जाम में भी इंग्लिश आनी आनी है, निकलना नहीं है इंग्लिश के बिना पेपर, कैसे निकाल लोगे? ठीक है, आदत डालो थोड़ी थोड़ी सी, समझो चीजों को। मैं आपके लिए हूं, मुझे लगा कि वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे थे, तभी मैंने क्वेश्चन थोड़े से इजी कर दिया, देखो है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाग जाओ यार मैदान छोड़ के, नहीं तो पढ़ते रह जाओगे फिर। अगर जीवन में पढ़ते ही रह जाना है, नौकरी नहीं चाहिए, तब तो फिर ठीक है, हिंदी 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 पढ़ते रहो।